मध्य प्रदेश के राजगढ़ की बेटी जब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की वर्दी पहनकर गांव लौटी तो लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। वर्दी पहने बिटिया को गांव वालों ने घोड़े पर बिठाकर जुलूस निकाला। पूरा गांव जुलूस में शामिल हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोगों ने नाच कर जमकर खुशियां मनाई। बता दें कि राजगढ़ जिले के गुलखेड़ी कला गांव में रहने वाली गरीब परिवार की बेटी उमा भिलाला का सपना देश सेवा करने का था। उसने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की भर्ती में फॉर्म भरा और कड़ी मेहनत की। इसके चलते उमा आईटीबीपी के सैनिक भर्ती एग्जाम में पास हो गई। करीब साल भर पहले उमा को आईटीबीपी ने ट्रेनिंग पर भेजा। अब 11 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब उमा पहली बार वर्दी पहनकर गांव लौटी तो परिवार भावुक हो गया। राजगढ़ जिले के गुलखेड़ी कला की रहने वाली हमारे राजगढ़ की बेटी उमा भिलाला का आईटीबीपी में चयन हुआ और वो पूरे एक साल की मुश्किल ट्रेनिंग करके सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करके वापस यहाँ पर लौटी, जहाँ पर उनको जोरदार स्वागत किया गया। पूरे जिले को ही नहीं, पूरे प्रदेश को, सभी को, हम सभी को उन पर गर्व है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।